दोस्तों ये माता चौसठ योगिनी जी मंदिर तो हम घूम आए हैं और अब हम यहाँ के नौका विहार के लिए जा रहे हैं। जो पंचवटी नौका विहार है उसके लिए जो रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं ये सीधा जाता है उस नौका विहार के लिए। भाइयों सामने नौका विहार का बोर्ड हमें दिख रहा है, हम लोग इसी में जा रहे हैं। अब भाइयों बोटिंग के लिए नीचे जाना पड़ता है, ये सीढ़ियाँ जा रही है नीचे रिवर के पास, वहीं पर बोट मिलेगी। फाइनल दोस्तों हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर बोटिंग होती है। ये देखिए इधर कितनी सारी बोट्स लगी हुई हैं, इधर ये टिकट काउंटर है। चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। भाइयों 100-100 रुपये का टिकट है बोटिंग के लिए, हमने ले लिए हैं 2 टिकट हमारा और सोनू का। अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। भाइयों इस बोट में हम सवार हो गए हैं टिकट लेकर, अब ये चलेगी। ये शेयरिंग वाली बोट है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये का चार्ज लगता है। अगर आप बोटिंग का एंजॉय लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। भाइयों इस वक्त हम और सोनू जी बोट में हैं और ये बोटिंग के लिए रेडी हैं। अभी कुछ देर में ये बोट खुलेगी। ये जैन टेम्पल है शांतिनाथ भगवान जी का। ड्यूरिंग बोटिंग के समय ये पचमठा मंदिर है जिसमें हम अभी गए थे, उसी को आपको दिखा रहे हैं। ओल्ड बोट ऑफिस है। अच्छा ये लो क्वालिटी मार्बल चट्टान है जी, आगे में है। अच्छा मार्बल टाइल वगैरह के लिए यहाँ से काटा जाता नहीं भाई साहब। पार्वती मैया की जय, बोट में बैठने वाले भैया की जय, भैया वीडियो निकालने वालों की, नर्मदा जी की हर कंकड़ कहलाते, शिव शंकर मानो तो शंकर ना मानो तो शंकर कहलाते सारे मार्बल के दामाद। जय महाकाल। पानी पीने वाला है, पानी देखने में ग्रीन, हाथ में लेने में क्लीन, पीने में बहुत बेहतरीन। नदी नर्मदा ऑलवेज बोलो शंकर भगवान की जय। एक लड़की चट्टान है, लाइट ब्लू मार्बल लगता है, देखो बट बैठा है, देखा व्हाइट कुर्ता में हल्का नीला लाइट ब्लू, बोर्ड वाले की कमेंट्री यहाँ से शर्ट देखा लाइट ब्लू, पलट के देखेंगे दूसरी साइड मार्बल आ गया ब्लैक एंड व्हाइट, ऊपर का मार्बल काली मिट्टी लगने से काले हैं, तोड़ेंगे तो व्हाइट, तोड़ देना काले हैं तो ये पिंक मार्बल है। मजाक के लिए बतलाते नहा धोखा बैठी थी रेखा, रेखा की साड़ी का कलर देखा उतनी देखो ना पिंक हो गई, चट जाएगी नैया लेफ्ट या राइट पूछ रहा है ना भी गाइड, सही बताने वालों को बहुत बड़ा बम्पर प्राइस। देखेंगे सुनहरा पत्थर फेंकना लगाते थे उनके पुतले फेंके जाते थे, भोजन पे लगाएंगे दोबारा पिक्चरों में नजर नहीं आएंगे। पानी का डेप 350 फीट, 3-5 जीरो, जिसको विश्वास नहीं है कूद के देखे हीरो, 2 घंटे में डबल जीरो। ये पीछे में देखना भाई साहब होटल बना है जंगलों के फॉरेस्टों के बीचों बीच, MPT होटल मार्बल रॉक। देखो शंकर जी के नंदी पुल बैठा हुआ, पहाड़ी तो देखो आगे से पीछे ऊपर से नीचे, ऊपर वो नीचे पैर लग रहा है पूरा नंदी बनावट, थोड़ा कहना कल्पना करेंगे आएगा नजर नहीं तो दिखेगा पत्थर। समझ गए तो वार्ड नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट, आप लोग घूम रहे नौका विहार भेड़ा घाट। इंदौर की महारानी थी ना अहिल्याबाई होलकर, उन्हीं के द्वारा स्थापित है पिंड, पिंड को बतलाते कई साल पुराना, एक साधु का होता डेली आना जाना,
फिर बार पूजा पाठ शाम को साधु मंदिर बेड़ा घाट एक दिन अचानक आ गई बारा साधु पहुंच गया होशंगाबाद तब तो साधु छुट्टी पे है वो मैंने देखा ना जो है ये बंदर कूदनी पहाड़ी है यहाँ से बंदर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदते थे छोटे निकाली थी अशोका था ग्रेट शाहरुख खान करीना कपूर बजरी वाली बोट पे गाना होता ना रात के नशा भाइयों ये नौका विहार का आनंद लेके हम लोग बाहर आ गए हैं अब हम जबलपुर जा रहे हैं।